नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो आने वाले सितंबर 2024 में उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड कोर्स वो कोर्स है, अगर आप कक्षा एक से लेकर पाँच के टीचर बनना चाहते हैं उत्तराखंड में या कहीं भी किसी भी राज्य में, तो आपको ये कोर्स करना पड़ता है। और इस कोर्स का नाम है डीएलएड, जिसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके फॉर्म सितंबर में आ रहे हैं। बच्चों का डाउट है कि मैम फॉर्म को भरते समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसके साथ साथ मैम क्या उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है क्या वहां पे इसका पंजीकरण कराना जरूरी है। और कुछ ऐसे डाउट भी है कि मैम हमारा 12वीं जो था वो पीसीएम से था, लेकिन ग्रेजुएशन हमारा आर्ट से, तो फॉर्म हमने किस डिटेल पे भरना है, साइंस साइड में या आर्ट साइड में। और ऐसा भी डाउट है कि जैसे मैम हम एक्स सर्विसमैन में, तो हमारे लिए इसमें क्या क्या कोटा है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में होने वाला है डिटेल जानकारी इसी के बारे में। सबसे पहले तो भाई डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए वो बताऊंगी, और इसके साथ साथ तुलनात्मक स्टडी भी बताऊंगी कि आप लोग बीएड करो या डीएलएड करो। स्पेशली जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि देखो उत्तराखंड में इस डीएलएड फॉर्म का आना सीधा सीधा मतलब ये बताता है कि कहीं ना कहीं 3-4 साल में कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी, यानी कि आपके पास सरकारी टीचर बनने का मौका कम से कम अपने राज्य में तो है। स्पेशली जो महिलाएं, आपको पता है 33% आप लोगों के लिए आरक्षण है, तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करना है और अपने डीएलएड की तैयारी करनी है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो कि फ्री में होगी, और वीडियो बनाए जाएंगे, आप यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगी, आपने उनको देख के पढ़ के समझ के अपने 50 नंबर कहीं नहीं जाने देने, ठीक है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को भी, वहाँ पर डीएलएड के बहुत सारे बच्चे जुड़े आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, लेकिन उसमें बच्चे बहुत सारी शैतानियां कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ग्रुप जो है कुछ दिनों बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, बाकी शिक्षक की तमाम खबरों में पढ़ने लिखने आगे बढ़ने लगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो जानकारी उन बच्चों के लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। देखो बच्चों, अगर आपने टीचर बनना होता है ना, तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं टीचिंग में, उनमें आपका ये डीएलएड भी आता है, जो पुराने जमाने में हमारे दीदी लोग बीटीसी करते थे ना, वो आज के ज़माने में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। 2 साल का ये कोर्स होता है उत्तराखंड में, इसे करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसी एंट्रेंस एग्जाम की हम आज अब बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो फॉर्म जब भरे जाएंगे ना बच्चों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने महत्वपूर्ण आपके 10वीं 12वीं और आपके ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट वगैरह है ना, या मार्क्स वगैरह आपको अपलोड करने होते हैं ना, उतना ही उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपकी रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, ऑफलाइन नहीं भरा जाता है, तो जो भी फॉर्म से रिलेटेड जानकारी है वो आपके ईमेल पे और आपके फ़ोन पे ही आती है। जैसे मान लीजिए, जैसे ही आपने पंजीकरण स्टार्ट किया, तो 1 टाइम पासवर्ड आपके पास आता है, एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाता है। तो उसी प्रकार से आपका एडमिट कार्ड, आपका एग्ज़ाम कब होना है, सारी जानकारी आपकी ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे आनी है। तो इसलिए आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी चेंज नहीं होना है। ऐसा नहीं हो रहा है कि फॉर्म को भरते समय तो आपने अपने पिताजी की ईमेल आईडी डाल दी, और जब एडमिट कार्ड आ रहा है तो आप बोलते हैं कि मैंने नई ईमेल आईडी बना दी है, राहुल कुमार फलाना फलाना, अब मैं इसमें डाउनलोड करूँगा। तो ऐसा नहीं होगा। जब से लेकर आप फॉर्म को भरोगे, जब तक आपका पूरा सिलेक्शन होता है, आपकी एक ही ईमेल आईडी और एक ही फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है बच्चों, कि बच्चों का डाउट है कि मैम ग्रेजुएशन के आधार पे ये परसेंटेज का क्या है इसमें। देखो बच्चों, ना तो 12वीं की परसेंटेज मायने है, ना ग्रेजुएशन की परसेंटेज मायने है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बोला है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीटेड होना चाहिए। बाकी जो नियमावली आ जाएगी बिल्कुल 1-2 दिन में, आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि क्या है इसमें, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि मान लीजिए कि आपके 3 सितंबर या 4 सितंबर को फॉर्म आते हैं, तो 2 सितंबर यानी कि जिस दिन आज मैं ये वीडियो बना रही, 2 या 3 तारीख तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया, भाई आपने तो बीएड का जो है वो पेपर दे दिए थे, तो ऐसा नहीं है। आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज नहीं चाहिए, आप किसी भी परसेंटेज के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा बच्चों का ये डाउट है कि मैम 12वीं में मेरा पीसीएम था लेकिन ग्रेजुएशन में मेरा आर्ट्स था, तो मैं किस आधार पर भरूँ। तो देखो, जो ये डीएलएड फॉर्म होते हैं ना बच्चे, ये ग्रेजुएशन के ही आधार पर भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेरिट बनती है ना, वो 2 ही कैटेगरी में बनती है, साइंस और आर्ट्स। अब कॉमर्स वाले बच्चे बोलेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, बीबीए वाले बच्चे या बीएससी आईटी या जिन्होंने अपना जर्नलिज्म का कोर्स किया वो कहाँ जाते हैं। तो उन सारे बच्चों की जो मेरिट बनती है ना, वो आर्ट्स वाले बच्चों के साथ बनती है, ठीक है। तो 2 ही कैटेगरी है ग्रेजुएशन के आपके आधार पर भरना, उनको 12वीं से आपका कोई मतलब नहीं, 12वीं चाहे आपने संस्कृत, संगीत, किसी में भी किया, उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये है बच्चों। अब समझते हैं बच्चे की डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देखो, डॉक्यूमेंट उन्होंने बेसिकली 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के जो है ना, वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते हैं। उसमें केवल आपको जो आपके जो मार्क्स होते हैं ना,
कहाँ से किया है, कितने मार्क्स है ना, वो केवल आपको जानकारी देनी होती है। डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होते हैं वो है आपको सबसे पहले तो आपको बताना होता है अपना फोटोग्राफ, ठीक है। दूसरा आपको करना होता है अपना सिग्नेचर। अब सिग्नेचर कैसे करना है, देखो जैसे ये वाइट पेपर है ना, तो इसमें आपने अपना सिग्नेचर करना है और इसका फोटो खींच के रखना है। फोटो जो होता है वो 0 से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन फॉर्मेट में ही वो फोटो को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप कोई दूसरी PNG वगैरह कोई दूसरे फॉर्मेट में करेंगे ना तो वो नहीं होगा। तो इसलिए ये काम बच्चों आप अभी कर लो, क्यों, क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं ना, आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट साइट हमेशा स्लो चलने लग जाती है और साइबर कैफे में कभी लाइट नहीं होती, कभी उत्तराखंड में सोचो लैंडस्लाइड हो रहा है कहीं कहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से रेडी करके रहोगे ना तो आपका काम मतलब समझ लो 50% आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर, आपने पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ करनी है, सेल्फी नहीं खिंचानी है, और सिग्नेचर आपने ऐसे वाइट पेपर में आपने साइन करके लिखना है। जैसे मान लो वाइट है तो उसमें ब्लू पेन से कर दो आप। और इसके साथ साथ जो आपका थंब इम्प्रेशन है, जैसे अंगूठे का निशान भी आपको चाहिए होता है। अब आप बोलोगे मैम ये अंगूठे का निशान क्यों चाहिए, कि तो जो फॉर्म होता है ऑफलाइन भरे जाते हैं। भाई उन्होंने मांगा है क्योंकि पिछले जो नियमावली थी उसमें भी मांगा था। तो उसमें आपने करना क्या, जो इंक पैड होता है उसमें थंब को इम्प्रेशन लेके और इसमें स्टैम्प लगा के वाइट पेपर में और उसको फोटो खींच के फिर उसको अपलोड कर देना। तो इन सबका साइज़ जो है वो 0 से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। बाकी जो आपका आधार कार्ड, जो भी आप मतलब अपना बताएंगे ना कि आप इसके आधार पे आपना जो रजिस्ट्रेशन करना, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, तो उसका नामांकन नंबर आप लोगों को चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। बाकी बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो एक्सचेंज का नंबर या उनका सर्टिफिकेट चाहिए, तो ना तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए ना उनका कोई भी नंबर इस समय चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बेसिकली तब चाहिए होगा जब आपको सरकारी नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करना है। तो भाई ये तो सरकारी नौकरी नहीं है, तो एक कॉमन जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा, तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट का नहीं चाहिए। अब आता है सवाल उनका कि जो एक्स सर्विसमैन है उनका या जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए क्या है। तो देखिए 2021 की नियमावली जो मैं यहाँ पे चला रही हूँ, देखो आप साइड में देख सकते हैं, इसमें उन्होंने जो भूतपूर्व सैनिक या जो एक्स सर्विसमैन है उनको उपवर्ग में डाला है, या जो ऑर्फन बच्चे मतलब जो अनाथ इत्यादि बच्चे उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी डाली है, ठीक है। तो हालांकि नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए एज लिमिट 30 होती है, आई थिंक आप लोगों के लिए जो है 2024 का जो नियमावली आएगी उसमें कहीं ना कहीं जो है आपके लिए छूट दी जाएगी। तो वो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसमें कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, और आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब करते हैं इस वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कि भाई हम बीएड कोर्स को करें या डीएलएड कोर्स को करें। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जिन बच्चों का BCA, BBA, BCOM इत्यादि है ना, जिनके कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है ना, उनको बीएड कोर्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीएड कोर्स उनको कहीं फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन अगर ये डीएलएड कोर्स आपके सामने आज की डेट में 2024 में आया ना, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये डीएलएड के फॉर्म नहीं आएंगे, और इस फॉर्म का आना सीधे सीधे इस बात का सूचक है कि आने वाले भविष्य में उत्तराखंड में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी प्राथमिक विद्यालय में जरूर निकलेगी, ठीक है। तो आप ज़रूर इस कोर्स को करिए। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प के थ्रू जानना है तो आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसकी की फीस है 399 रुपीज़, ठीक है। बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होगा, सिलेक्शन वगैरह कैसा होता है। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म को भरने के विद इन वन मंथ का पूरा टाइम दिया जाता है फॉर्म को भरने का, और इसके जो एग्जाम वगैरह होंगे वो आपका ना समझ लीजिए November 1st week में होगा, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी से आपका जो है इसमें सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है बच्चों कि जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो कुल मिला के आपके पास 650 सीटें हैं, ठीक है। और हमारे पास ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जैसे मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, तो मैं सबसे पहले जब फॉर्म को भरूंगी तो मैं जो नियरेस्ट जो मेरा जनपद होगा ना, मैं उसको सेलेक्ट करूंगी। तो जब हमारी मेरिट वगैरह बनती है ना, उसके आधार पर हमारा सिलेक्शन होता है, उसके आधार पर हमें हमारा जनपद मिलता है। अगर मेरा मेरिट के हिसाब से मिल जाता है तो मुझे जो मेरा नियरेस्ट जनपद है ना वो मिल जाता है, ठीक है। तो जब आप फॉर्म को भरेंगे आपने अपने जनपद को सेलेक्ट करना है कि भाई आप कहाँ पे इस कोर्स को करना चाहते हैं। ये कोर्स कहीं पे भी प्राइवेट नहीं होता है, ये सरकारी में होता है, उत्तराखंड का जो डाइट इंस्टीट्यूट होते हैं ना वहीं पे होता है, ठीक है। जैसे अगर आप चंपावत के रहने वाले तो आप देहरादून थोड़े ना भरोगे, आप चंपावत के जो नियर बाई होकर उसी को फिल करेंगे, ठीक है। और फॉर्म जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपको पता ही है, 200 नंबर का पेपर होता है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, जीके आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 नंबर के हम आपको पढ़ा देंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प उसके आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये है डीएलएड का पूरा जो आपका जो प्रोसेस जो होता है इसमें सिलेक्शन में होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के लगातार ये डाउट आ रहे हैं कि मैम क्या हम डीएलएड कोर्स यूपी से कर लें या हरियाणा से कर लें।
देखिए अभी मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि इस बात का कोई भी मैं स्पष्टीकरण या दावा नहीं कर सकती कि आप कहीं बाहर से डीएलएड करें और उसके बाद उत्तराखंड में आपको जो है वो सरकारी नौकरी मिल जाए। हालांकि जो भी वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें ये जरूर कहा गया था कि बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते, लेकिन जब आप मेरिट लिस्ट देखेंगे ना उसमें बहुत कम बच्चे, 1-2% बच्चे थे जिनका कि सिलेक्शन हुआ। उनमें से भी वही बच्चे थे, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की यूपी की रहने वाली है लेकिन उसकी शादी अगर उत्तराखंड में हुई है तो वो अब डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड हो गई। तो अगर आप बाहर से ये कोर्स करते हैं मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं तो ये कहूँगी कि 2024 में ये मौका मिला है तो इस मौके को आपने छोड़ना नहीं है, तैयारी में जुट जाओ, आज ही से जुट जाओ, क्योंकि फॉर्म जो है वो 72 घंटे के अंदर आप लोगों के पास पहुँचने वाले। बाकी फॉर्म को भरते समय जो बच्चों फीस वगैरह है वो 600, 300 और 150 के आसपास होती थी जो पिछले नियमावली में थे, इस साल हो सकता है थोड़ी सी बढ़ा दें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट कि मैम फॉर्म कब आ रहे, तो वेल फॉर्म बच्चों देखिए मैंने आज ही डीएलएड टीम से चेक किया तो उन्होंने बोला फॉर्म 72 घंटे के अंदर जो है वो है रिलीज़ हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, विद इन 72 आवर्स जो है वो फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। और ये समझ लीजिए कि कल भी आ सकते हैं और 4 तारीख को भी आ सकते हैं फॉर्म, वैसे आज को आने चाहिए थे लेकिन इसलिए नहीं आए क्योंकि साइट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो 5 तारीख तक तो आपके फॉर्म नहीं जाएंगे, 4 तारीख तक पक्का फॉर्म आपके आ ही जाएंगे, तो इसलिए तैयारी में जुट जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर की जो मेरिट कितनी गई थी वो भी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूंगी। और देखो तैयारी आपकी सबसे पहले ये होगी कि आपके सामने सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है एनालिसिस कर लो और सिलेबस उसमें से नोट करते रहो कि क्या का कहां से आ रहा है, ठीक है। 50 मार्क्स का तो भाई हम लोग आपको तैयारी करा ही देंगे। बाकी मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना है आपने और टेलीग्राम को भी, क्योंकि टेलीग्राम में डीएलएड के बच्चे जुड़े हैं और किसी को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट उत्तराखंड डीएलएड को लेकर, जो भूतपूर्व सैनिक थे उनका मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। और बाकी नियमावली जैसी आएगी फटाफट से मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों की जो तैयारी है वो हम जल्दी से इसमें स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को आपने ज़रूर 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 सब्सक्राइब करके जाना है सारी अपडेट लिए। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।